तो क्या हाल है बी भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई बिग स्क्रैच का ट्रैक आउट हुआ मेरे दोस्त, बिग स्क्रैच रिएक्शन चैनल वाला बंदा, जैसे हम रिएक्शन चैनल रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे करण ओजला के ट्रैक पे भी भाई ने रिएक्ट किया। वाह, हम लेट हो गए ना बहुत ज़्यादा। चलो भाई के ट्रैक पर रिएक्ट करते हैं। मेरे दोस्त Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Let's go. ये तो ब्लॉग की तरह शूटिंग है भाई, म्यूजिक वीडियो की। फ्री स्टाइल वाली बीट। मिले जो मुझको दोस्त, मैं हूँ खुश नसीब। अफसोस खोया कुछ को है कुछ करीब, कुछ करीब नहीं पता है कायदे कानून का। अगर ये साथ मेरे अपने आप लगे तो कसीन था मैं छोटा, हो जाती थी लड़ाई जब घर पे आते ही माँ को सुनाता चार किले। महसूस होता जब अकेले अपने स्टूडियो में, माइक से ही कहता आई वॉज ब्लेस्ड मुझे यार मिले। समझाता खुद को मैं अकेला ही सही, सच तो मैं भी जानता हूँ थोड़ा सिद्धी में ये जिद है अपनी, या शायद मैं 70 किसी बात से। वैसे ना ये दोस्तों के साथ कहीं भाई घूमने गया है तो उसके ऊपर ट्रैक बना दिया और म्यूजिक वीडियो वही वाली ब्लॉग उठा दिया। दोबारा सुनते हैं एक बार और। दोस्त मैं हूँ खुश नसीब, अफसोस खोया कुछ को है कुछ करीब। नहीं पता है कायदे कानून का, अगर ये साथ मेरे अपने आप लगे तो कसीन। था मैं छोटा, हो जाती थी लड़ाई जब घर पे आते ही माँ को सुनाता चार किले। महसूस होता जब अकेले अपने स्टूडियो में, माइक से ही कहता आई वॉज ब्लेस्ड मुझे यार मिले। समझाता खुद को मैं अकेला ही सही, सच तो मैं भी जानता हूँ थोड़ा सिद्धी में ये जिद है अपनी, या शायद मैं 70 किसी बात से। कि विश्वास कोई ना तोड़े, नहीं होना चाहता फिर मैं जख्मी। क्या किस्मत अब भी साथ हूँ मैं जिस मरम के कोच पे, वो मिल सकेगी आज। जिंदगी एक सिंफनी, मैं लिखता बेहिसाब, फाड़े पन्ने से इतने उससे बन सकूं किताब। फाड़े इतने पन्ने हैं जिससे बन सके किताब लिखने के लिए। क्या लाइन है भाई। जिंदगी एक सिंफनी, मैं लिखता बेहिसाब, फाड़े पन्ने से इतने उससे बन सकूं किताब। मेरे दोस्त मेरे साथ मेरा भार सहते, मेरे दोस्त मेरे साथ परिवार जैसे। कुछ है तो जो है साथ बस शाम के लिए, कुछ है तो जो नहीं साथ पर वो याद कैसे। पर आमी ना लिटरली कश्मीर का सीन है पूरा। याद कैसे रह गए कुछ दोस्त जो नहीं पास, जब करीबी रिश्ते याद नहीं। ख्यालों को हूँ रखता मैं महफूज अपने अंदर, क्योंकि बांटने को बचा कोई खास नहीं, खास नहीं। पिछले रात अपने आप को समझाया कि हर दर्द के पीछे होती कोई वजह, शायद ये है सीख जिंदगी की। पर अब सीख कितने मिले, इस्तेमाल के लिए बची नहीं जगह। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है मेरी दिल की जुबानी, मेरे बातों में कोई रिल खास नहीं। पर इस शहर में झांका तो पता लगा ये सब की कहानी, दिस इज जस्ट अनदर मिडिल क्लास लाइफ। ये मेरी मिडिल क्लास स्टोरी, इर्द गिर्द काफी दोस्त थे मंडराते, जो चिढ़ जाते थे मेरे इस जुनून से। आई मेट देम जस्ट अ कपल वीक्स बैक, दे टोल्ड मी दैट दे वर फैंस, विश्वास था उनको मेरे जुनून पे। दैट शिट इज कैप, बट आई जस्ट प्लेड अलोंग एंड आई स्माइल्ड, मैंने किया उनका बहुत शुक्रिया अदा। और वापसी की ट्रेन पे मैं हंस पड़ा खुद ही पे, यही सोच कर कि कैसे को था अपना दोस्त माना। मेरे तो बिग स्क्रैच ने पूरा अपने दोस्तों के लिए बनाया ट्रैक, के दोस्त साथ हैं तो गम भी खुशी से कट जाता है, मतलब दोस्त हैं तो सब कुछ है। वो चीज बिग स्क्रैच ने दोस्तों के लिए ट्रैक बनाया सही में। और ये भाई घूमने गए हैं, उसी को शूट कर लिया ब्लॉग की तरह, वही म्यूजिक वीडियो मेरे साथ मेरा भार सहते, मेरे दोस्त मेरे साथ परिवार जैसे। कुछ है तो जो है साथ बस शाम के लिए, कुछ है तो जो नहीं साथ पर वो याद कैसे। मेरे दोस्त मेरे साथ मेरा भार सहते, मेरे दोस्त मेरे साथ परिवार जैसे। कुछ है तो जो है साथ बस शाम के लिए, और कुछ है तो जो नहीं साथ पर वो याद कैसे।
खत्म, बीट है ओनली बीट, ओनली बीट। जो क्लिप्स फोटोज शेयर किए जा रहे हैं भाई, ये दोस्तों के ऊपर भाई पूरा ट्रैक है। आप अपने फ्रेंड्स से कितना क्लोज हैं, परिवार जैसे हैं कि नहीं, वही चीज़ है भाई, के दोस्त परिवार जैसे हैं। दुख हो वो हंसी से कट जाते, फ्रेंड सर्कल भाई होता ही ऐसा। सो दोस्तों के ऊपर पूरा ट्रैक है, काफ़ी अच्छा ट्रैक है, फ्री स्टाइल ट्रैक है। एंड म्यूज़िक वीडियो भाई की वही है जो शूट कर दी, सही है भाई, सब पूरे दोस्त दिखा दिया भाई ने, काफ़ी अच्छी म्यूज़िक वीडियो है। एंड यहाँ तक है भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपसे मिलते रहेंगे। बाय।